हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत रॉय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद को नवाब रॉय के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजय बराय था। इनके शिक्षा का प्रारंभ उर्दू और फारसी से शुरू हुआ था। उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का योगदान देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास और हिंदी कहानी की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। मुंशी प्रेमचंद ने एक पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत कहानी होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पर रोक लगा दी और भविष्य में उन्हें इस तरह के लेखन न करने की चेतावनी दी। इन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियां लिखना और 1918 से उपन्यास लिखना शुरू किया था। इनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी का अध्ययन अधूरा होगा। प्रेमचंद ने करीब 300 कहानियां, एक दर्जन उपन्यास और कई लेख लिखे। मुंशी प्रेमचंद ने 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में साहित्य की एक ऐसी विरासत सौंप गए जो आकार की दृष्टि से असीमित और गुणों की दृष्टि से अमूल्य है। मुंशी प्रेमचंद को आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास का सम्राट माना जाता है। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों में निम्न और मध्यम वर्ग चित्रण है। डॉक्टर कमलेश किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद रचना वाली कहानी से प्रकाशित कराया है। प्रेमचंद के जीवन काल में कुल कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। इनकी कहानियों में विषय और शिल्प की विविधता है। इन्होंने मनुष्य के सभी वर्गों से लेकर पशु पक्षियों तक को अपनी कहानियों के मुख्य पात्र बनाए हैं। इनकी कहानियों में किसान, मजदूर, स्त्री, दलित आदि के समस्याओं को गंभीरता से चित्रित किया गया है। उनकी ऐतिहासिक कहानियां और प्रेम संबंधी कहानियां भी काफी लोकप्रिय साबित हुई। मुंशी प्रेमचंद ने संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी नाटकों की रचना की। ये नाटक संवेदन और शिल्प के स्तर पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने 31 जुलाई 1980 को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया था। वो गोरखपुर के विद्यालय में शिक्षक थे, वहां प्रेमचंद साहित्य भवन की स्थापना की गई। उस विद्यालय की बरामदे में एक भित्ति लेख है, यहाँ उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है। इनकी 125वीं सालगिरह पर भारत सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि मुंशी प्रेमचंद के गांव में इनका स्मारक और शोध एवं अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक युग प्रवर्तक हैं। आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद की आज 86वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरा राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें द वीओबी इंडिया।